Hi everyone, I am Rinku Dura from Priya's blog. आज हम लोग बात करने वाले हैं GoPro Hero 9 के मीडिया मोड के बारे में. मीडिया मोड एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा. उसमें कौन सा माइक आपको सपोर्ट करेगा वो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा. यह है अपना GoPro Hero 9 है. इसमें मीडिया मोड कैसे फिट करना है वो मैं बताता हूँ आपको. यह है इसका मीडिया मोड है. ये मीडिया मोड लगाने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, इसका जो साइड का जो कवर है इसको निकालना पड़ता है. इसको हम लोग निकाल कर रख दिए, यहाँ पर ये रख देते हैं. इसके बाद इसका साइड का ढक्कन को खोलना है अपने को, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा. और इसके बाद इसको ये माइक्रोफोन जिस तरफ है इस तरफ सामना है और इसको ऐसा पुश कर देना है. पुश करने के बाद ये ऑटोमेटिक लग जाएगा. उसके बाद इसको लॉक कर देंगे. तो ये हो गया अपना मीडिया मोड. अभी ये मीडिया मोड में हम लोग एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर तीन स्लॉट है, ये फर्स्ट वाला जो है अपना एक्सटर्नल माइक के लिए, ये दूसरा वाला जो है अपना पावर चार्जिंग करने के लिए, और ये तीसरा वाला जो है HDMI केबल लगा करके बड़ा सा टीवी पैनल वगैरह में या फिर कोई बड़ी डिस्प्ले में हम लोग उसको दिखा सकते हैं. ठीक है, अभी मैं इसमें आपको माइक कौन सा सपोर्ट करता है और माइक अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा करेगा वो मैं आपको बताता हूँ. मैं तीन चार माइक लिया हुआ था. TRS एक्चुअली इसमें TRS माइक सपोर्ट करता है. TRS बोलने से पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें ये दो रिंग रहता है, वन एंड सेट टू, ये दोनों रिंग जिसमें रहता है उसको बोलते हैं TRS बोलते हैं. और जिसमें यहाँ पर तीन रिंग रहता है उसको बोलते हैं तीन रिंग, मतलब उसको बोलते हैं TRRS, राइट. तो GoPro में क्या होता है कि TRS माइक सपोर्ट करता है. एक्चुअली ये बहुत बढ़िया माइक्रोफोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसमें सपोर्ट नहीं किया मेरा. क्या है कि देखिए, इसको हम लोग किसी भी एंगल से, ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये अमेजन में आपको इजीली ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हीरो 7 में या फिर हीरो 8 में काम करता होगा, लेकिन ये हीरो 9 में मेरा सपोर्ट नहीं किया. अभी दूसरा जो माइक्रोफोन है लेवलर का है, यह काफ़ी अच्छा पैकिंग करके भेजे हैं ये लोग. एक तो रेजिन का पैकिंग में इसको दिए हैं, ठीक है. हाँ, इसका क्वालिटी अच्छा है. इसमें ये लोग एक तो एडाप्टर भी दिए हैं. ये टीआरएस का एडाप्टर है. जबकि इसमें होता क्या है, इसमें TRRS का स्लॉट रहता है जो कि अपना कैमरा सपोर्ट नहीं करता है. तो इसको क्या करना है, इसको लगाना है. लगाने के बाद वापस कैमरा में इसको यहाँ पर डालना है. तो ये बन गया अपना TRS. लेकिन इसमें तो दिक्कत क्या है कि अराउंड यहाँ से यहाँ 2.5 इंच लंबा बन जाता है. जब हम लोग इसको हेलमेट के ऊपर लगाएंगे तो ये दिक्कत करेगा. बाकी इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है. ये थोड़ा सा वेयर लंबा है, अराउंड 2 मीटर का है. नज़दीक में कोई ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं तो इसके लिए ये ठीक है. और एक तो मैं दिखाता हूँ आपको माइक्रोफोन, ये है. ये छोटा है, परफॉर्मेंस के वाइज देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ये उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करता है. लेकिन ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए ठीक है. ये अराउंड 250 रुपये के अंदर आपको अमेजन में मिल जाएगा. इसका आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी दे दूंगा, ठीक है. और सबसे अच्छा जो मेरे को पसंद लगा यह है बोया का माइक है. ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह है इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है. इसके साथ ये लोग दे रखे हैं एक तो माइक्रोफोन और एक तो इसका क्लिप दे रखे हैं.
ये माइक्रोफोन जो है ये अपना कैमरा में फिट नहीं हो पाएगा। ये किस लिए है, ये अपना बड़ा बड़ा एम्पलीफायर जो होता है उसमें अगर हम लोग वॉइस डालेंगे उसके लिए ये है, और ये क्लिप अगर कलर वलर में लगाने के लिए अपना। अभी इसको खोलते हैं, लेकिन इसका एक तो बड़ा बात क्या है कि इसका वायर काफी लंबा है यार, ये करीबन करीबन 15-20 फीट तो हो ही जाएगा मेरे को जहां तक लगता है। और इसमें एक तो स्विच दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो स्विच है। ये TRS माइक्रोफोन होने के बावजूद, जबकि इसमें 3 रिंग है, ये TRS माइक्रोफोन होने के बावजूद भी ये GoPro में काम करेगा, क्योंकि इसमें जो स्विच है इसमें एक में लिखा है कम कैमरा का ऑप्शन है और दूसरा में अपना है स्मार्टफोन का है। अगर स्मार्टफोन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं तो TRS आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो हम लोग स्मार्टफोन में करना है तो ये स्विच को नीचे करना पड़ेगा, इसको नीचे पुश कर देंगे तो ये स्मार्टफोन में कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अपना कैमरा में ये TRS बन जाता है। ये ऑप्शन एक तो है, ये आप अगर किसी का वीडियो वगैरह इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर कहीं दूर पर कैमरा रख करके अपना से बात करना है तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसका साउंड क्वालिटी वगैरह ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मोटो ब्लॉगिंग के हिसाब से इसको आप लेना चाहते हैं तो क्या होता है कि मोटो ब्लॉगिंग में नॉर्मली अपने को इतना ही जरूरत पड़ता है, जैसे कि ये वाला है इतना ऐसा छोटा सा दरकार पड़ता है। क्या है कि वो हेलमेट के सामने में ऐसे माउंट हो जाता है और ये अंदर में ऐसा चला जाता है, और इतना सारा को अपना को हेलमेट के ऊपर लगाने के लिए ये काफी इरिटेट करेगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दर्द वर्द होगा। तो आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, इसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, एकदम द बेस्ट है ये। अराउंड 650-700 रुपया में अमेजन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला जो माइक्रोफोन है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, ये सब माइक्रोफोन को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 600-650 है वैसा है, और इसका भी ठीक ठाक है वैसा। प्राइस के वाइज देखा जाए तो ये एकदम बढ़िया है, 200-250 रुपया में ये मिलता है। परफॉर्मेंस तीनों का सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बोले से इसका है, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस है, ये लेवेंडर का है और ये अपना बोया का है, और इसका थोड़ा सा कम है। लेकिन बजट के वाइज देखा जाए और मोटो ब्लॉगिंग के लिए अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं या फिर आप लोग यूज करना चाहेंगे तो ये माइक्रोफोन ठीक है, आपका काम कर देगा वो, और इसमें इतना ज़्यादा वायर भी नहीं है और ये आराम से कहीं पर भी फिट हो जाएगा। लेकिन ये वाला माइक्रोफोन कभी मत लेना, ये अपना GoPro Hero 9 में TRS होने के बावजूद भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, कैमरा ऑन करते हैं। ये अपना कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आपको परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको मोड पर क्लिक करना है। मोड मोड में हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर मीडिया मोड एनाबल हो जाता है, और मीडिया मोड में जाने के बाद जाने से पहले आपको जो सा माइक्रोफोन लगाना है, मान लीजिए हम लोग ये माइक्रोफोन लगाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पुश कर दिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये विजिबल हो गया कि अपना आउटडोर यूनिट इसमें कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं रखा हूँ स्टैंडर्ड माइक प्लस में रखा हूँ, और इसको ओके कर देना है, ओके कर देना है। अभी देखिए इसका फ्रीक्वेंसी जो है दिखा रहा है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ग्रीन में है। अभी दूसरा माइक दिखाता हूँ, इसका दिखाता हूँ आपको, बोया का दिखाता हूँ। ये बोया को हम लोग लगा दिए इधर। हाँ, एक तो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, इसके अंदर एक तो बैटरी रहता है जो कंपनी देता है इसके साथ, उसको आपको सबसे पहले यहाँ पर फिट करना है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर इसको पहले बैटरी को लगाना है, लगाने के बाद इसको टाइट करना है, टाइट करने कर दिए, ये हो गया। अभी हम लोग इसका देखते हैं इसका रेस्पॉन्स कैसा है। इसका भी देखिए वो अच्छा है, ये थोड़ा थोड़ा येलो में जा रहा है, मतलब कभी रिकॉर्डिंग अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, मतलब ये ग्रीन सिग्नल जो दिख रहा है ग्रीन के ऊपर येलो में जा रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब जो कम धीरे धीरे बोलने से भी ये आराम से रेस्पॉन्स करेगा,
और ये रहा अपना, और एक माइक है, ये लेवलर का है। अगर ये देखिए अभी इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पर तो ये काम नहीं कर रहा है, देखिए ठीक है। हाँ अभी आ गया, ये भी देखिए अभी आ गया, ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ था, तो ये भी अच्छा काम करता है। कंपेरिजन टू ये थोड़ा सा कम काम करता है, बाकी ये दोनों बढ़िया है। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लंबा होकर रहेगा तो ये अनकंफर्टेबल लगेगा। और बाइक वगैरह में कहीं पर आप उसको अटैच करते हैं, जैसे कि हम लोग गुभरू को नॉर्मली बाइक के ऊपर सामने में हम लोग लगाते हैं, माउंट करते हैं, तो वहाँ से वायर भी आराम से आपका पहुँच जाएगा अपना हेडफोन हेलमेट के अंदर तक पहुँच जाएगा। और ये भी आराम से पहुँच जाएगा, इसको हम लोग छिपा भी सकते हैं कहीं पर, इसको सामने से ले आए ला करके इसको पेट्रोल टंकी के अंदर हम लोग इसको डाल दिए, ये वायर वगैरह को छिपा करके ले आए और ऊपर में निकाल दिए, तो ये भी काम चल जाएगा। अगर इतना कर सकते हैं तो बोयक पर जाना ठीक है, नहीं तो आप लेवलर पर जा सकते हो, ठीक है। मेरे सजेशन के हिसाब से इतना ठीक है भैया। अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर इनका परफॉर्मेंस कैसा है, मेरे को वीडियो करने के लिए बोलोगे तो मैं उसको भी करके आपको पर्सनली भेज दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना है कि आप जब भी माइक्रोफोन लगाएं TRS लगाएं GoPro 9 के लिए, और ये मीडिया मोड के ऊपर और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, मीडिया मोड में देता है एक तो मफलर देता है इसके लिए, ये कहाँ गिर गया यार, इसमें ये शायद कहीं गिर गया है, यहाँ पर एक तो मफलर लगता है जो कि आपका विंड नॉइज को रिड्यूस कर देता है। मतलब जब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो विंड का आवाज़ आता है, या फिर कहीं हम लोग खड़े होकर के ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो विंड का जो नॉइज आता है उसको वो कम कर देता है। और ये सब में भी वही फोम यूज किया गया है कि विंड को विंड का जो नॉइज रहता है उसको कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये एक चीज़ मैं और एक बता देता हूँ, जब मीडिया मोड यूज करते हैं हम लोग तो कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रहता है, तो ध्यान रखना कभी भी मीडिया मोड आप यूज करते हैं तो उसके पीछे में टेम्पर ग्लास नहीं लगाना, टेम्पर ग्लास लगाने से वो खुल जाता है, मैं ये पहले ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट चीज़, अगर पानी से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा अगर हम लोग मीडिया मोड यूज कर रहे हैं तो, बाकी सब मिला जुला कर ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा आप वायर लो या फिर लेवलर का ले सकते हो, ये दोनों ही अच्छा है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, नया हूँ, कुछ भी अगर डाउट रहेगा मेरे नॉलेज में जितना हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा वो। ओके।